नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सरकार दे रही है 2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सरकार ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन के दौरान सरकार सभी की मदद करना चाहती है, तो सरकार ने 2500 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको यह पैसा मिला है या नहीं मिला है, तो हम आपको बताएंगे। आप अपना नाम मोबाइल से घर बैठे इसमें कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से चेक करना है लिस्ट में आपको अपना नाम। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाकर आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है आपको, जो आपका मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होता है आपको उस पर आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र जो होता है उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद आप देखो कि मेरी स्क्रीन पर आपको कुछ इस टाइप का जो मेन्यू दिख रहा होगा, तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। तो आप वहाँ से क्लिक करके आप आ जाइए इस पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके लिख के आ रहा है कि ये COVID-19 अनुग्रह राशि भुगतान। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1000 रुपये की राशि आपको ऊपर दिखा रही है, COVID-19 अनुग्रह राशि 1000 रुपये। और नीचे आप थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ऐसा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कोविड अनुग्रह राशि 1500। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट 2500 रुपये की सहायता कर रही है। आप देख सकते हो 1000 रुपये उन्होंने पहले दिया है, 1500 रुपये अभी बाद में दिया है, तो ये 2500 रुपये की सहायता जो है गवर्नमेंट कर रही है। तो अब बात आती है कि आपको अपना नाम कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं COVID-19 अनुग्रह राशि, सेकेंड वाले पे यानी दूसरे वाले पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है 1500 वाले पे। तो जैसे ही आप 1500 वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो है मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, तो इस पे आपको करना क्या है, ये जो आपका यहाँ पे ज़िला लिख के आ रहा है, आपका जो भी ज़िला लगता हो तो आपको ऐसे ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैं ज़िला ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी आपसे पूछेगा पता, आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो आप जो भी आप ग्रामीण में रहते हो तो ग्रामीण पे ऐसे लगा लें, अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो ऐसे शहरी पे क्लिक कर दें। तो जो भी आपका लगता हो शहरी या ग्रामीण, तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं नीचे, अगर मैं शहरी क्षेत्र में किया है तो नगर पालिका आ रहा है, तो आप अपनी नगर पालिका ऐसे सेलेक्ट कर लें। और आप देख सकते हैं नीचे ये आ रहा है लिख के खोजें, तो ये खोजे के बटन पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप खोजे के बटन पर क्लिक करोगे, एक नीचे एक आपके सामने एक पेज आ जाएगा इस टाइप का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रम संख्या, जिला लिख के आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लिख के आ रहा है, वार्ड का नाम लिख के आ रहा है, लाभार्थी कितने हैं, इस तरीके से। तो अब आपने यहाँ देख लिया है, तो आपका जो भी यहाँ पे ज़िला है तो उस पर आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिक जानकारी, ऐसे आपको उस अधिक जानकारी पर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस अधिक जानकारी पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम आ गए हैं, क्रम संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, जिसके नाम पे पैसा आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसे, जो मुखिया का नाम आ गया है, पिता का नाम आ गया, उनके जो पिता हैं, पति एवं पत्नी का नाम आ गया है, देख सकते हैं आप। धनराशि जो मैंने आपको बताई 1500 रुपये, आप देख सकते हो जो द्वितीय उनकी किस्त है यानी सेकंड किस्त जो है 1500 रुपये की ये आ गई है। अब यहाँ पे ये भी बता रहा है कैटेगरी कौन सी है, BPL धारक हैं ये, स्थिति आप देख सकते हैं इनको सक्सेसफुल मिल चुका है। तो इस तरीके से आप भी जो है इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। और यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है PDF का, तो आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, जो लिस्ट है इसको आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो अपने मोबाइल पे। तो दोस्तों, अगर इस लिस्ट में आपका भी नाम है तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मदद कर रही है ये राजस्थान सरकार मदद कर रही है 2500 रुपये की। इस तरीके से राजस्थान वाली सरकार जो है अपने यहाँ के लोगों को जो है मदद कर रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।